हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मच डिशेस। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो 5 मिनट में बनाइए सुपर क्रीमी और मेल्टन माउथ ब्रेड की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में और बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। चलिए देख लेते हैं। ये भी पैन में हमने लिया है 1 कप दूध। ये हमने फुल क्रीम दूध यूज किया है। आप इसमें फुल क्रीम ही दूध यूज करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये शुगर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के हिसाब से केसर। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे जिससे कि दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये भी हमने 4 ब्रेड लिए हैं। इसको इस तरह से बीच से हम कट कर लेंगे हाफ में। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी बीच से और फिर कट कर देंगे इसको इस तरह से। ये हमने सारे भी कट करके रख लिए हैं। इधर कटोरी में लेंगे ये क्रीम, ये जो दूध की क्रीम होती है जो घर पे निकालते हैं वो लिया है। 1 चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 1 ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसमें इस तरह से लगा के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये भी हमने लगा दिया, इस तरह से लगा देंगे। और ऊपर से भी दूसरा स्लाइस इसमें रख देंगे। इस तरह से रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से चिपक चुका है। अब इधर ये हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है, हल्का सा ये पक गया है। अब इसको हम साइड में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जो हमने ब्रेड के सारे स्लाइस बना के तैयार किए थे उनको इस तरह से रख देंगे एक प्लेट में। रखने के बाद जो हमने ये रबड़ी बना के तैयार की थी इसको ऊपर से डाल देंगे इसमें। इसको कोई फ्राई व्राई करने की झंझट नहीं है, बस इसको ऐसे ही ऊपर से डाल देंगे और ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। ये बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा फ्रेंड्स। थैंक